इस वक्त की बड़ी खबर, कोझिकोड विमान हादसे में मरने वालों की संख्या 19 पहुंच गई है। 171 लोगों का 13 अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। एक गर्भवती महिला, 4 बच्चों सहित 15 से ज्यादा यात्रियों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन करीपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। मुरलीधरन हादसे की जगह का दौरा करेंगे और अस्पताल जाकर घायलों का भी हालचाल जानेंगे। डीजीसीए की फ्लाइट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की टीम केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के साथ करीपुर एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। एयर इंडिया की जांच टीम कुछ देर में मुंबई से कोझिकोड पहुंचेगी। केरल के सीएम विजनन पिनराई सुबह 9 बजे करीपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन करीपुर पहुंच चुके हैं। ये वही जगह है जहां पर हादसा हुआ था। इसके बाद वो अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल भी जानेंगे। आपको बता दें कि कोझिकोड प्लेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 19 हो गई है। एक गर्भवती महिला, 4 बच्चों समेत 15 अन्य यात्रियों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इन 171 यात्रियों का जो इलाज है वो 13 अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। इसके अलावा एयर इंडिया की जांच टीम भी अब से कुछ देर में कोझिकोड पहुंचेगी। कोझिकोड प्लेन हादसे में मृतकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है और ये बढ़कर अब 19 हो गई है। डीजीसीए की फ्लाइट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की टीम की बात करें तो केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के साथ वो भी करीपुर एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया, एयर इंडिया की जांच टीम कुछ ही देर में मुंबई से कोझिकोड पहुंचेगी। केरल के सीएम विजयनन सुबह 9 बजे करीपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। संवाददाता टी राघवन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। टी राघवन, बहुत ही दर्दनाक हादसा ये था, फिलहाल वहां से क्या अपडेट है आपके पास? जी वाकई में, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो कोविड 19 की वजह से गल्फ कंट्रीज में फंसे हुए थे। वंदे भारत मिशन के जरिए इन्हें यहाँ पर लाया जाया गया था और करीब करीब 4 महीनों के बाद ये अपने घरों को लौट रहे थे। किसी ने इस बात की उम्मीद नहीं की होगी कि इतना बड़ा हादसा उनका यहाँ पर इंतजार कर रहा है। जो ताजा अपडेट मिल रहे हैं उसके मुताबिक अब तक इस हादसे में 19 लोगों की कंफर्म डेथ है। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ पर 13 अलग अलग हॉस्पिटल जहाँ पर इन पैसेंजर्स का इलाज किया जा रहा है, वहां से ये बात कंफर्म कर दी गई है। जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजा है, वो कुछ देर पहले कैलीकट एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। उनके साथ डीजीसीए की फ्लाइट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी पहुंची है। वो अब वहां पर मौके पर है और वहां पर हालात का जो है पूरा मुआयना किया जा रहा है। जांच के आदेश डीजीसीए ने पहले ही हादसे में दे दिए थे। एक जो नई जानकारी कल देर रात के बाद से अब तक हमें मिली है, जो शिल्पा कटारे नाम की होस्टेस हैं जो कॉकपिट के साथ में बैठी हुई थी, सौभाग्यवश उनकी जान जो है वो बच गई। उन्होंने वहां पर कैलीकट एयरपोर्ट के अधिकारियों को ये बताया कि जो कैप्टन दीपक साठे हैं, जो काफी अनुभवी हुए पायलट थे इंडियन एयरफोर्स के, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। जब उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि विमान जो है वो रनवे को ओवरशूट कर गया है, इसके बाद उन्होंने ब्रेक अप्लाई किए, नोज टायर का ब्रेक जाम हो गया, रनवे पर फिसलन ज्यादा थी, इसलिए फ्लाइट जो है वो स्किप करती हुई चली गई। लेकिन उन्होंने पूरे धैर्य के साथ उस फ्लाइट को, पूरी की पूरी फ्लाइट को खाई में गिरने से रोक लिया, जिस वजह से हम देख पा रहे हैं कि ज्यादातर लोगों की इसमें जान बच गई। ऐसा ही हादसा जब मंगलुरु एयरपोर्ट पर साल 2010 में हुआ था, उसमें अधिकांश लोगों की जान चली गई थी, सिर्फ 8 ही लोगों की जान उस हादसे में बच पाई थी। और वैसा ही टेबल टॉप रनवे कैलीकट के करीपुर एयरपोर्ट का भी है, जिसमें लैंडिंग को काफी चैलेंजिंग माना जाता है। चलिए ठीक राघवन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। और कोझिकोड विमान हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 19 तक पहुंच गई। जिस वक्त एयर इंडिया का विमान एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था उस वक्त बारिश हो रही थी, रनवे पर विजिबिलिटी भी बेहद कम थी। यही वजह रही कि विमान रनवे से आगे निकलकर 3 हिस्सों में टूट गया। हादसे में पायलट और को पायलट की भी मौत हो गई, लेकिन पायलट ने अपनी जान गंवाकर सैकड़ों यात्रियों की जान बचा ली। दुबई से 185 यात्रियों, 2 पायलट और 4 क्रू मेंबर के साथ केरल के कोझिकोड पहुंची एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX1344 रनवे पर फिसली और एक बड़े हादसे का शिकार हो गई। पल भर में ही एयरपोर्ट की तस्वीर बदल गई, चारों तरफ चीख पुकार मच गई, किसी को समझने तक का मौका नहीं मिला आखिर हुआ तो क्या हुआ।
शाम 4:30 बजे दुबई से उड़े एयर इंडिया की फ्लाइट ने शाम करीब 7:41 पर कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंडिंग की थी। लैंडिंग के वक्त मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, रनवे पर फिसलन थी। यही फिसलन इस विमान हादसे का कारण बन गई। जिस वक्त विमान ने लैंडिंग की उस वक्त विमान की स्पीड काफी ज्यादा थी। रनवे पर फिसलन होने की वजह से विमान के पायलट डीवी साठे विमान पर नियंत्रण नहीं रख पाए और प्लेन टेबल टॉप रनवे की बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए झाड़ियों में जा घुसा, जिसकी वजह से विमान 3 टुकड़ों में बट गया। प्लेन में 191 लोग सवार थे, इनमें 185 यात्री, 2 पायलट और 4 क्रू मेंबर हैं। वंदे भारत फ्लाइट है ये, दुबई से कैलिकट कोझिकोड आ रही थी और ये लैंड करी है कम से कम करीब 7:30 बजे के आसपास, क्योंकि वर्षा के कारण वेदर कंडीशन जो थी आपको मालूम है। ये एयरक्राफ्ट जो है ये टेबल टॉप एयरफील्ड है। हमने AIIB की इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है और जल्दी इसके बारे वी विल हैव द फुल फैक्ट्स। जो विमान हादसे का शिकार हुआ है उसमें कुल 191 लोग सवार थे, जिनमें से 12 यात्री मेडिकल इमरजेंसी की वजह से भारत लौटे हैं, जबकि 20 यात्री ऐसे हैं जिनकी नौकरी जाने के बाद वो भारत वापस आए हैं। 4 यात्री अपनी शादी के लिए दुबई से केरल पहुंचे और 58 यात्री ऐसे हैं जिनका वीजा खत्म हो गया था, जिसके बाद ये वापस देश लौटे हैं। विमान हादसे की तस्वीरें बेहद भयावह हैं। हालांकि गनीमत रही कि हादसे के बाद विमान में आग नहीं लगी, नहीं तो हादसा और भी भयानक हो जाता। हादसे के बाद सबसे पहले कालीकट एयरपोर्ट पर तैनात CISF के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कुछ देर बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF की टीम भी शामिल हो गई। इस हादसे में विमान के पायलट दीपक साठे और को पायलट अखिलेश कुमार की मौत हो गई है। कोझिकोड विमान हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो गई, लेकिन दोनों पायलटों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सैकड़ों यात्रियों को बचा लिया। ये फ्लाइट वंदे भारत मिशन की थी जो दुबई से कोझिकोड में लैंड कर रही थी। कोझिकोड विमान हादसे में रेस्क्यू का काम पूरा हो चुका है। 2 टीमें हादसे की जांच के लिए आज कोझिकोड पहुंच रही है। एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2 टीमें इस हादसे की जांच करेंगी। कोझिकोड के कालीकट एयरपोर्ट पर रनवे बेहद जोखिम भरा है और यहां विमान उतारना हमेशा चुनौतियों से भरा रहता है। पायलट के सामने बारिश और फिसलन ने इन चुनौतियों को और बढ़ा दिया था। यही वजह रही कि विमान पहले नियंत्रण से बाहर हुआ और फिर हादसे का शिकार हो गया। टीराघवन, इंडिया टीवी, कोझिकोड। अब बात करते हैं सुशांत